हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त आशु धींगड़ा और आज हम करेंगे गेम थ्योरी का सेकंड मेथड जो कि है ओड्स मेथड। ओड्स मेथड हम तब लगाते हैं जब हमारा वैल्यू ऑफ द गेम सैडल पॉइंट मेथड से ना आ रहा हो और ये 2x2 मैट्रिक्स हो, मतलब इसमें दो ही रोज हों और दो ही कॉलम्स हों। इस क्वेश्चन को पहले हम सैडल पॉइंट मेथड से करेंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि रो ऑलवेज क्या होता है, मिनिमम। तो इसमें हम सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को सर्कल करेंगे। सेकेंड रो में हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, 3, तो 3 को सर्कल कर देंगे। और कॉलम ऑलवेज क्या होता है, मैक्सिमम। तो फर्स्ट कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 5, तो इस पे हम स्क्वायर बना देंगे। और सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 4, तो इस पे हम स्क्वायर बना देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ द गेम नहीं निकल रही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ द गेम वही वैल्यू होती है जिसपे सर्कल और स्क्वायर दोनों आ रहे हो। तो अब हम इस पे लगाएंगे ओड्स मेथड। ओड्स मेथड से करने के लिए मैं आपको एक रूल बता रही हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम वही 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे। यहां पे जो आएगा वो क्या होगा, a1, a2, b1, b2। यहां पे आएगा मॉड्यूलस a2 माइनस b2। a2 माइनस b2 ऑलवेज ऑपोजिट साइड पे जाएंगे ये। और नीचे क्या आएगा, a1 माइनस b1, a1 माइनस b1, सेम यहां पे ऑपोजिट साइड पे लेके जाना है। यहां पे क्या आएगा, b1 माइनस b2, यहां पे आएगा a1 माइनस a2। ये जो सारी वैल्यूज हैं ये मैंने मॉड्यूलस में लिखी हैं, जिसका मतलब है कि चाहे वैल्यू नेगेटिव में आए लेकिन हमें इसे पॉजिटिव में ही लेना है। और इसको जो ऐड करके और इधर से ऐड करके जो आएगा वो उसको बोलते हैं n। यहीं से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर n दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो मतलब क्वेश्चन सही है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हम इसमें वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, वैल्यू ऑफ द गेम निकालने के लिए आएगा a1 इंटू a2 माइनस b2 प्लस a2 इंटू a1 माइनस b1 ओवर n। यहां पे देख लीजिए वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, a1 इंटू a2 माइनस b2 प्लस a2 इंटू a1 माइनस b1 ओवर n। अब हम इसी क्वेश्चन को ओड्स मेथड से सॉल्व करेंगे। वही 2x2 मैट्रिक्स बना लेते हैं फिर से। याद रखिएगा कि ओड्स मेथड सिर्फ तभी लगाना है जब वैल्यू ऑफ द गेम सैडल पॉइंट मेथड से ना निकल रही हो और ये 2x2 मैट्रिक्स हो। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे क्या आएगा, a2 माइनस b2, a2 हमारा क्या है, 3, और b2 है 4, तो 3 माइनस 4 1। वैसे तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू मैंने मॉड्यूलस में लिखी है, जिसका मतलब है चाहे वैल्यू नेगेटिव में आए फिर भी हमें इसे पॉजिटिव में लेना है। नीचे क्या आएगा, a1 माइनस b1, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4, यहाँ पे वही 1 माइनस 4 3, 5 माइनस 3 2, यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, 1 और 4 5, 3 और 2 5, एन हमारा सेम आ रहा है मतलब हम सही जा रहे हैं। और वैल्यू ऑफ द गेम कैसे निकलेगी, a1 हमारा क्या है, 5 इंटू a2 माइनस b2, मतलब 1 प्लस a2 हमारा क्या है, 3 इंटू a1 माइनस b1 है हमारा 4 ओवर 5, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 प्लस 3 इंटू 4 12 ओवर 5, तो आंसर इज 17/5। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।